कैसे हैं आप सब? आई नो यू आर डूइंग वेल। तो आज हम दो वॉचेस का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही कॉलिंग वॉचेस हैं और फायरबोल्ट रिंग बहुत टाइम से लोगों को नहीं मिल रही थी, मतलब वो लॉन्च पे जाने वाली थी, फिर डिले हो रही थी, फिर एग्जैक्टली प्राइम डेज पे लॉन्च कर दिया इसको। अभी ये अवेलेबल है अमेजोन पे, आप इसको डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये वॉच पसंद आई, मेरे को पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अच्छी है। मतलब आपको W26 की तरह, एप्पल वॉच की तरह आपको कॉपी मिलती है आई सीरीज 6 की, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी करी गई हैं। सारी की सारी बातें करूँगा, मोर लाइफ सेंस 510 के बारे में बात करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंस है, सारी की सारी बातें करने वाला हूँ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए, और साथ में आप हमारे टेकटॉक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। जैसे कि कल भी बहुत सारे लोगों ने जो ओप्पो का बैंड है वो बहुत कम दाम में एज अ लूट डील ग्रैब किया, मतलब 1350 रुपये में कई लोगों को मिल गया, जो कि एक्चुअल में जो प्राइस उसका होता है 2700 रुपये होता है। तो डेफिनेटली आप भी इस तरीके की डील्स को ग्रैब कर सकते हो। अपनी वीडियो पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे फायरबोल्ट रिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एप्पल का लुक मिलता है पूरा का पूरा एज इट इज़ सेम, और आपको क्राउन भी मिलता है, और मोलाइफ सेंस में आपको 510 में जो कि आपका कॉलिंग फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे स्पोर्टी लुक आपको मिलता है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी और साथ में जो रिजोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट क्वालिटी में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रिंग थोड़ा आगे निकल जाती है 1.69 इंचेस की, आपको यहाँ पे जो बेजल्स हैं बहुत कम मिलते हैं, तो लुक वाइज ज़्यादा प्रीमियम फील होती है एज़ कम्पेयर टू सेंस 510। और यहाँ पे रेस्ट टू वेक दोनों मिल जाता है, ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है दोनों ही वॉचेज़ में। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया है, एग्जैक्टली प्रोटेक्शन का तो प्रोवाइड आई डोंट नो कौन सा प्रोटेक्शन है, बट कोई ना कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया होगा। 350 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है रिंग की, थोड़ी सी ज़्यादा है सेंस 510 से, तो यहाँ पे टेक्स्ट की शार्पनेस आपको ज़्यादा दिखने वाली है रिंग में। बात करें पीक ब्राइटनेस की, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्प्ले डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेज़ अच्छा परफॉर्म करती हैं, बेटर परफॉर्म करती है। बट अगर आपको लुक वाइज एप्पल की वॉचेस पसंद है तो आप सीधे रिंग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि रिंग का जो लुक है प्रॉपर आपका आई वॉच सीरीज 6 की तरह लगता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लुक है फील है बहुत ज़्यादा बेटर आता है एज़ कम्पेयर टू सेंस 510 से। अब हम बात करते हैं वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस में आपको अच्छे खासे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस आप लगा सकते हो, यहाँ पे भी कोई कटौती नहीं करी गई है। एंड आगे बढ़े यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, क्योंकि कॉलिंग वॉचेस में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत सारे आपको 90 या 60 या 30 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता है, या तो कॉलिंग अच्छी होगी या तो आपको एक्यूरेसी लेवल अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको अगर कहीं ना कहीं अंडर 5000 की वॉच मिल रही है तो दोनों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। IP67 या IP68 की आपको रेटिंग मिल जाती है यहाँ पे, एक्जैक्टली पूरा वाटरप्रूफ आपकी वॉचेस नहीं होती हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रॉपर डीप स्विमिंग के लिए ना ही लेके जाएँ, स्मॉल जो रेनिंग है या तो मतलब स्वेट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट आपकी वॉच हो जाएंगी, बट यहाँ पे दो वेंट्स होते हैं, एक स्पीकर और एक आपका माइक के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी जा सकता है अंदर, तो आप ज़्यादा इसको वाटरप्रूफ ना समझिए दोनों ही वॉचेज में। कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिलता है, दोनों में ही आपको 60-75% तक एक्यूरेसी लेवल मिल जाएगा। एक्जैक्टली डेडिकेटेड सेंसर तो अवेलेबल नहीं है, बट एक ही सेंसर से आपका HR मोनिटर, SpO2 लेवल्स और BP मोनिटर का जो मेजरमेंट है वो होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है अवेलेबल हैं दोनों ही वॉचेज़ में। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, यहाँ पे कॉलिंग फीचर मिलता है, सबसे पहले डायल कर सकते हो प्रॉपर, आपको वॉच में डायल मिलता है, न्यूमेरिक कीज़ मिलती हैं, और साथ में यहाँ पे आप फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को भी सेव कर सकते हो, कॉल लॉग भी शो करेगा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको अपने फ़ोन को निकालने की ज़रूरत नहीं ऑल द टाइम। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको आप रिसीव हो जाएंगे, बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, आपको रिंगटोन के थ्रू या तो वाइब्रेशन के थ्रू ही अलर्ट्स प्रोवाइड होने वाले हैं। फुल टच डिस्प्ले मिलता है, दोनों का ही स्मूथ है, स्टटर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मली जो अवेलेबल होती हैं वो भी दोनों ही वॉचेस में प्रोवाइड हो जाएंगी आपको। ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिलता है, तो 10 मीटर तक की रेंज आपकी कन्फर्म है, यहाँ पे कोई स्टटर लैग या मतलब आपको डिस्कनेक्शन इशूज बहुत कम रहेंगे। तो फाइंड माई वॉच का ऑप्शन दोनों में मिल जाता है आपको, और यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइंड माई फोन का ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेटर था। कैमरा शटर म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन तो है ही है। एंड्रॉइड या iOS से दोनों ही वॉचेस को आप पेयर कर सकते हो, तो अगर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो या iOS यूज़ कर रहे हो डिवाइस, तो कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस ऑलमोस्ट सिमिलर हार्डवेयर के साथ आती हैं। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे UI जो है वो अच्छा है दोनों का ही, रिंग का जैसे आई वॉच UI यूज़ किया गया है एप्पल की तरह लुक आता है, और सेंस 510 का जो है कस्टम UI यूज़ किया गया है। एंड गाइज यहाँ पे सिंगल बटन मिलता है रिंग में, आपको सेंस 510 में ड्यूअल बटन मिलता है जो कि एक मेन्यू के लिए और बैक करने के लिए काम आता है। रिंग में आपको जो क्राउन है वो रोटेटेबल है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे रोटेटेबल क्राउन के साथ आपको कॉलिंग फैसिलिटी मिलती है, तो ये भी एक यूनिक चीज़ है, और गेस्चर्स का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो।
अब बात आती है यहाँ पे बैटरी की। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस ऑलमोस्ट 2 घंटे लेती हैं फुल चार्ज होने में। 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती हैं दोनों ही वॉचेस। 220 mAh बैटरी का यूज़ किया गया सेंस 510 में, 280 mAh रिंग में यूज़ किया गया। तो कि रिंग की जो बैटरी कैपेसिटी है बड़ी है, बट यहाँ पे डिस्प्ले साइज भी बड़ा हो जाता है। 8 डेज का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर रिंग, और सेंस 510 आपका 10 दिन का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट आपको दोनों ही वॉचेज में मिल जाता है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5 दिन का आपको विदाउट नोटिफिकेशन रन टाइम मिल जाएगा, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, HR भी मॉनिटर कर रहे हो 24/7, आप स्टेप्स भी काउंट कर रहे हो, आप स्लीप भी मॉनिटर कर रहे हो, तो आपकी दोनों ही वॉचेस 1 से 3 दिन का बैटरी बैकअप दे देंगे अकॉर्डिंग टू योर यूजेस। यहाँ पे यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है, आपने कितना वॉच को यूज़ किया है, कब कॉलिंग की है, कब आपने म्यूजिक सुना है वॉच में, कब आपने कहीं ना कहीं जो फिटनेस ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ है उसको फॉलो किया है, तो वो आपके यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है। मेन फीचर्स की अगर मैं बात करूँ आप सभी से, HR मॉनिटर दोनों मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 लेवल्स को भी आप चेक कर सकते हो, BP मॉनिटर का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको सेंस 510 में, रिंग में BP मॉनिटर का ऑप्शन नहीं मिलता, स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, कैलरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है, और लास्ट में ब्रीद रिलैक्स का मोड भी दोनों में मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेन फीचर्स में दोनों ही बेटर परफॉर्म करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट सेंस 510 में आपको एक चीज़ और मिल जाती है BP मॉनिटर, जो कि रिंग में मिसिंग है। आगे हम बात करें यहाँ पे बिल्ड मटेरियल के बारे में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वेट है वॉचेस का सिमिलर है, रिंग में आपको जो स्ट्रैप है वो चेंजेबल होंगे, बट आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेंगे, आपको अलग से नहीं मिलेंगे, थर्ड पार्टी आप नहीं लगा सकते। सेंस 510 में 22 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया, तो आफ्टर मार्केट का चल जाएगा। TPU स्ट्रैप यूज़ किया गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्किन फ्रेंडली नहीं है, बट रिंग में आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेन बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही आपकी मेटेलिक डायल के साथ आती है और बेस पॉलीकार्बोनेट का आपको मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की अमेजिंग है यहाँ पे, कोई भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि फ्लिमजी सा है। अब आती है प्राइसिंग की बात, तो यहाँ पे रिंग आपकी जो लॉन्च हुई थी 4500 rupees में लॉन्च हुई थी, अभी भी आपकी 4500 rupees में अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, और सेंस 510 आपकी लॉन्च हुई थी 4000 rupees में, अभी भी 4000 rupees में अवेलेबल है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको लो प्राइस में बाय करनी है दोनों ही वॉचेस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लाइटनिंग डील आपको लो प्राइस डील ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे प्रोवाइड करते रहते हैं। सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे TECHPOKE, आपको मिल जाएगा चैनल। एंड गाइस, इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आती है यहाँ पे लास्ट में, मैं अपना यहाँ पे व्यू देता हूँ दोनों में से कौन सी वॉच मेरे को ज़्यादा बेटर लगी। रिंग की अगर मैं बात करूँ, मेरे को ज़्यादा बेटर इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पे जो लुक एंड फील है पूरा एप्पल का आता है, साथ में यहाँ पे जो क्राउन है वर्किंग है, उसी के साथ साथ डिस्प्ले क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। साथ में यहाँ पे आपको जो कहीं ना कहीं और फीचर्स मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू 510। और गाइज, रिंग में जो बेजल्स हैं बहुत कम है, प्रीमियम फील आता है एज़ कम्पेयर टू सेंस 510, जो कि आपको स्पोर्टी लुक देती है, क्योंकि डिस्प्ले साइज़ कम है ऑलमोस्ट। यहाँ पे रिंग में आपको डबल मिल जाता है, मतलब डबल से थोड़ा सा कम मिलता है, बट रिंग की वॉच मैं प्रेफर करूँगा अपने लिए, अगर मैं लूँगा तो रिंग की वॉच लूँगा। एंड गाइज, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेज़ अपने प्राइस ब्रैकेट में अच्छे परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे 500 rupees आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं रिंग में, तो आप ये भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो गाइज, ये था मेरा एक डीप डाउन रिव्यू रिंग वर्सेस सेंस 510, जो कि मोलाइफ की तरफ से आती है। इसके अलावा आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।